हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हमारे किचन में बनने वाला है सीम और आलू की सब्जी, तो देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने लिया है तेल, ऐड करेंगे बे लीफ, दालचीनी, इलायची, लौंग और गोल मिर्च। इन सब को हम अच्छे से पका लेंगे। करीबन एक मिनट तक मैंने इसे अच्छे से भून लिया। अब ऐड करेंगे प्याज, प्याज को भी हम अच्छे से पका लेंगे। फिर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसका कच्चापन हट जाए। फिर ऐड करेंगे टमाटर, टमाटर यहाँ मैंने रफली चॉप किया है। अब ऐड करेंगे नमक, इस मिक्सचर को हमें ठंडा कर लेना है और ग्राइंड कर लेना है, एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। फिर उसी पैन में हम लेंगे तेल, सीम और आलू को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुका है, इसे साइड रख लेंगे। फिर उसी पैन में हम लेंगे तेल, जीरा, करी पत्ते, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। फिर ऐड करेंगे पेस्ट जो हमने बनाया था ना, वो ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। इसे आपको तब तक पकाना है जब तक ये ऑयल रिलीज ना कर दे। फिर ऐड करेंगे सीम और आलू, अच्छे से मिलाएंगे इन सबको। ऐड करेंगे पानी, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब कवर करके कुक करेंगे इसको। लगभग 2 से 3 सीटियों तक हमें इसे पका लेना है। हमारा सीम आलू का सब्जी बनके रेडी है।